हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमपी लाइव। दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल एमपी लाइव पर शुरू करने जा रहे हैं भारत की ऐसी अनोखी और रहस्यमयी जगह जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसी के तहत आज पहले एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसे रहस्यमयी गाँव की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या सदियों बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितने पहले कभी थे। ऐसा ही एक राज राजस्थान में जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। इसको एक शापित भूतों का गांव या हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण कौन थे। कहते हैं पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे, जिसमें से एक था कुलधरा। मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधरा शाखा ने सन 1291 में, यानी कि 1291 AD में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। ये गांव इतने वैज्ञानिक तरीकों से बसाए गए थे कि तेज गर्मी में भी इनके घर ठंडे ही रहते थे। इन लोगों को वेद और शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था और उसी ज्ञान के सहारे इन्होंने इतना कुछ बना लिया था। जैसलमेर में सबसे ज्यादा लगान यही पालीवाल ब्राह्मण देते थे। वास्तु शास्त्र का इनको संपूर्ण ज्ञान था। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो भी कोई यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वे सोना उनके हाथ लग जाए। यह गाँव आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है। इस गांव के रातों रात वीरान होने के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व पानी की आपूर्ति में कमी के कारण यह गांव नष्ट हो गया। लेकिन यह उतना सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पानी की कमी रातों रात नहीं होती। यदि ऐसा होता तो यह गांव धीरे धीरे उजड़ता, बट ये एकाएक एक ही रात में वीरान हो गया। अब हम चलते इसके दूसरे कारण की तरफ, जिसको यहाँ के स्थानीय लोग भी मान्यता देते हैं और जो वहां की किंवदंतियों में भी शामिल है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह, जिसको कई जगह पे सालम सिंह भी कहते हैं, उसके अत्याचार के कारण गए थे। अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी, दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर यह संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वे गांव पर हमला करके लड़की उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, वे अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। तब से लेकर आज तक कोई भी यहां नहीं बस पाया है। जो यहां रहता है उसके परिवार में किसी न किसी की मौत जरूर हो जाती है। ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। कहते हैं कि अब यहाँ आत्माओं का राज है, जो रात होते ही बाहर आ जाती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव, घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले
पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें भी आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें तो यहाँ हमेशा ही आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। दोस्तों, कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इस गांव में कुछ प्रयोग किए थे। जब वो प्रयोग करके वापस आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि उन लोगों के पास एक डिवाइस है जिसका नाम है घोस्ट बॉक्स। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने यह भी बताया कि जब वो कुलधरा गांव पहुंचे तो वहां पे असामान्य रूप से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, बल्कि कुछ आत्माओं ने तो उनको अपने नाम तक बताए। 4 मई की रात्रि में इस टीम ने कुलधरा गांव में प्रयोग किए थे और सन था 2013। दोस्तों, जब वो लोग कुलधरा गांव से वापस आए तो उन्होंने अपनी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी देखे। कुलधरा गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, ये वो कहानी थी, ये वो एक रहस्य था जिस पर से पर्दा उठाना जरूरी था। ये पूरा वीडियो देखते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उन्हीं बातों पर यकीन करें जो आपको ठीक लगती है। हम भारत की ऐसे ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और उनसे संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। आप देख रहे हैं MP Life। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। धन्यवाद।